ओके हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से लेकर आए हैं एक नया पोकेमॉन का गेम, पोकेमॉन अल्ट्रा सन फायर फ्यूजन। सॉरी, बस वो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तो आपका ये कहना सजीर है कि मतलब ये तो मतलब नॉर्मल है कि तू तो लेट्स वो ईवी का जीवी खेल रहा था, ये कहाँ से लेकर आ। हाँ फ्रेंड्स, मानता हूँ मैं, पर मेरे फ़ोन में ना वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए दूसरे अकाउंट से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए गेम स्टार्ट करते हैं बिना रुके। और दोस्तों, लेआउट अच्छी नहीं हो वीडियो की तो माफ़ कर देना, पहली बार लेआउट बना रहा था वीडियो की। बस मैं तो एक लड़का हूँ। ओके, तो मैं रखूँगा इसका नाम, क्या रखूँ यार, लोअर में जाता हूँ और रखता हूँ। तो ये वीडियो खाली 10 मिनट की ही होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पहला एपिसोड है इस गेम का दोस्तों। और अगर आपको बेब्लेड की वीडियोस चाहिए हमारे चैनल पर तो कमेंट कर देना, मैंने एक वीडियो बनाई थी बेब्लेड की। तो इसका नाम हम रख देंगे एज यूजुअल गैरी। ओके, तो मेरा नाम है, रख दिया जियान। नोबिता का कैरेक्टर है वो जियान, अगर आपको पता नहीं हो तो। ये फायर रेड नहीं है दोस्तों, भले ही ये फायर रेड जैसी दिख रही हो आपको पता चल ही सकता है, इसके चल ही रहा होगा। ये गेम मैं दूसरे अकाउंट से बना रहा हूँ, उस अकाउंट से नहीं, इसलिए। और मेरा दूसरा मोबाइल भी बहुत अच्छा है ये। ओके, तो चलिए दोस्तों, प्रोफेसर ओक को बुलाया जाए। ओके, प्रोफेसर ओक आ गया है यहाँ, और हमने कौन से पोकेमॉन होंगे वह सरप्राइज इस गेम में। गैरी, लेट मी थिंक। ओह, दैट्स राइट, आई टोल्ड यू टू कम, जस्ट वेट हियर जियान, देयर आर 3 पोकेमॉन। हाहा, Pokemon are held inside these Pokeballs. When I was young, I was a serious trainer. But now, in my old age, I have only these 3 left. शायद जब ये बच्चे होंगे ना प्रोफेसर ऑफ, तो नौ स्टार्टर्स मिलते होंगे। मतलब कुछ गेम भी है ऐसे GBA रोम हैक्स, पर वो फैन मेड गेम्स है जिसमें 9-10 से ज़्यादा स्टार्टर्स मिलते हैं गेम में। तो मतलब अल्ट्रा बीस्ट्स भी मिलते हैं। तो इन्होंने इन्वेंट की ना पोकेबॉल। ओके, बल्बसॉर, अब मैं धोखा खाने लगा हूँ कि ये मतलब ये तो कहीं फायर रेड तो नहीं, पर मैं तो बल्बसॉर ही लूँगा क्योंकि ये बहुत एनर्जेटिक होता है, और मैं बल्बसॉर को नाम देने वाला हूँ बकासुर देते हैं। हाँ, बकासुर, क्योंकि जब ये बड़ा हो वीनासोर में तो ये बकासुर जैसे ही लगता है। ओके, तो चलिए ब यहाँ का और यहाँ सुर। तो फ्रेंड्स, मुझे इस गेम की आइडिया आई है इनवेंसिबल ग्रे निंजा से, वो ऑसम वीडियोस बनाता है और हमें नए और अच्छे गेम्स भी इंट्रोड्यूस करता है। ओके, तो चलिए राइवल बैटल करते हैं। ओके, ये कौन सा है, इसने एक्वा क्या है, ये कौन से पोकेमॉन है क्या दोस्तों, क्या एगिड, ये नया पोकेमॉन है। चलो बकासुर, बस खाना मत खाओ, कुछ करके दिखाओ दोस्त। चलो इसको हरा देते हैं। इसका डिफेंस बहुत टाइट है,
टैकल से इतना कुछ इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका डिफेंस बहुत टाइट है। पर ये तो हमें तो नहीं दिखा था। हाँ फ्रेंड्स, जैसा मैंने बोला, इसका डिफेंस बहुत टाइट है, टाइट डिफेंस वाले पोकेमोन है ये तो। ओके चलो, हार गए हम पहली बैटल। चलो इस मोटे आदमी से बात कर ली जाए। ओके तो इसने तो खास हमें कुछ बताया नहीं। ओके, आई कॉपीड व्हाट इट सेड ऑन वन ऑफ दोस ट्रेनर टिप साइन। ओके हाँ, है बहुत यूजफुल है लड़की। ओके मैं यहाँ के बारे में, या देखते हैं कौन सा ये कौन सा फ्लैंडेड फ्लैनबिट, यानी मैंने नाम नहीं सुना था इस गेम में, शायद नए पोकमोन है। ओके टर्टविग, दोस्तों टर्टविग, मजाक है क्या ये दोस्तों, मजाक है क्या ये टर्टविग, इतना रेयर पोकमोन, या क्या करे। ओ माय गॉड दोस्तों, मजाक है क्या ये गेम मजाक कर रहा है क्या फ्रेंड्स, मतलब टर्टविग रॉलेट, ये कमाल गेम है दोस्तों। मतलब मैंने तो आपको पहले से ही बताया था कि गेम तो है कमाल है, धोरती फाड़ के दुरुमार के। ओक का पार्सल दे देते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये गेम अलग है जरा, और इसके क्रिएटर है क्रिस नाम की एक लड़की है शायद। हाँ तो मैंने क्रिस्ट नाम तो सुना था, क्रिस्ट एंगल ऐसा नाम है उनका जिसने ये गेम। ओ माय भाई दोस्तों, ये स्क्वर्टल यहाँ क्या कर रहा था, मतलब हम तो इसे पकड़ भी सकते हैं। और ये फ्लैनबिट मिला, फिर स्क्वर्टल मिला, टोरटविक मिला, कौन से पोकमोन ये है यहाँ दोस्तों। ओके आ गए गैरी साहब, चलियो पोकेडेक्स ले लेते हैं प्रोफेसर ओक से, शायद इसमें भी मेगा वेगा इवोल्यूशंस विवोल्यूशंस कुछ हो। ये 5 पोक बॉल्स भी मिल गए, पकड़ू कौन सा। इसमें हम बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं, इसलिए मैं हूँ ना। ओके तो इसने कहा कि टाउन में बोरो करो, करना तो नहीं चाहता हूँ मैं, नहीं करूँगा बोर। ओके तो हम स्क्वर्टल पकड़ लेंगे क्योंकि अब बल्बसॉर है, स्क्वर्टल है, टर्टविग नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास तो वीनस और हो गए। कौन सा है फ्लैनबेट, बने रही ऐसे पोकमोन है फ्लैनबेट, आ क्यों नहीं रहा है स्कोर्टल। ओके टर्टविग नहीं पकड़ेंगे शायद हम, या लकीली स्कोर्टल आ गए आ गए आ गए आ गए। ओके ओके टैकल टैक टैकल टैकल, मर ना जाए अब इस टैकल से, इसलिए हम पकड़ लेते हैं 5 ही पोकेबॉल्स दी। प्रोफेसर हो गए, कहते कंजूस आदमी है। ओ ये इसको पकड़ना इतना आसान नहीं होने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला है शायद इस बार, हम इसे पकड़ भी ले नहीं। ओ ये मार ना दे मेरे बल्ब सर को। ओ माय गॉड ये तो मर गया दोस्तों, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो हील करते हैं पोकमोन को। हाँ जरूर करूंगा मैं पोकमोन को हील। ओके तो बस हम ये एरिया में आते ही यहाँ। ओके आ गए गैरी अंकल। हाँ
पहले ही तो नहीं जा सकते है लीग में। वाओ एजुमर, ओ माय गॉड गाइस, मजाक है क्या ये? मजाक है क्या फ्रेंड्स? ये इतना बर्थडे, इतना मतलब क्या मैं बोलूँ इस गेम को, इतने मतलब ज्यादा लेवल का पोकमोन है ये फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मजाक है क्या? ओके दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बता देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट देना ना भूलना। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मतलब ये तो एपिसोड 1 था, जर्नी तो हमारी एपिसोड 2 से स्टार्ट होने वाली है फ्रेंड्स। एज मेरे लेवल 27 का कैसे कर लिया गैरी ने, बस मुझे ये बता दो। ओके कोई बात नहीं दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में पोकेमॉन अल्ट्रा सन फायर फाइनल। ओके फाइनल भी है। बाय फ्रेंड्स।